हेलो दोस्तों, हमारी इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आज इसके बेसिक क्वेश्चन करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में और खासकर जेई मेंस में। चलिए दोस्तों, यहाँ बेसिक स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का। प्रीवियस लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं, तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं, बेसिक हैं आपके, मतलब प्रैक्टिस के लिए मैं करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन अंडर रूट में ए एक्स प्लस बी, और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 1/5x+4 का होल स्क्वायर। दो क्वेश्चन दिए गए हैं, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले अंदर वाले को हम क्या मान लेते हैं, टी। यहाँ सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन, यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, फार्मूले में लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ क्या हो गया हमारा, एक्स प्लस बी को हम क्या मान लेंगे, टी। क्या मान लेंगे, टी। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ए बच जाएगा, बी का जीरो हो जाएगा, तो यहाँ ए डीएक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे रख देते हैं, तो ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा, टी, और डीएक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा हमारा, डीएक्स के स्थान पे यहाँ चेंज कर दीजिए डी टी बाई ए, तो यहाँ आ जाएगा डी टी बाई ए। ठीक है, अब देखिए 1/a को बाहर कर लीजिए और ये क्या हो गया, t की पावर 1/2 dt। ये तो आसानी से आप कर लेंगे, a के पावर n के पावर, यहाँ पे कुछ भी x की पावर n वाला फार्मूला लगा दीजिए, यहाँ पे ये हो गया, तो t यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये 1/2 + 1/1 + c, यहाँ से चेंज कर दीजिए 1/a t के पावर कितना, 2 × 1 = 3, यहाँ आ जाएगा t के पावर 3/2, और यहाँ पे आ जाएगा 3/2। इसको चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा, आप थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिए, तो यहाँ 2/a हो जाएगा, 2/3a, और यहाँ पे t के पावर 3/2 + c, तो ये आ गया इसका आंसर। इस तरीके से आसानी से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट हमारा क्या हो सकता है, इंटीग्रेशन। अब t हमने क्या माना था, ax + b, ठीक है, तो इसको क्या कर लेंगे, लास्ट में आके रिप्लेस कर लेंगे 3a, और यहाँ पर रिप्लेस कर लेंगे ax + b / 3/2 + c, तो ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है ये, अब इसके 5x + 4 = क्या मान लेंगे, टी। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 dx = dt, तो यहाँ dx की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, dt/5। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा रिप्लेस कर देते हैं, क्वेश्चन जब रिप्लेस करेंगे यहाँ, तो क्या आ जाएगा, t² और dx के स्थान पे dt/5, तो यहाँ पे हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये 1/5 बाहर हो जाएगा, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इनवर्स। अब x की पावर n वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ 1/5 t की पावर -2 + 1 हो जाता है, -2 + 1 + c हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 1/5, अब t 1 में से -2 गया तो -1 बच जाएगा। ठीक है, तो t की पावर -1/5 - 1, चूंकि हम माइनस यहाँ पे 1 तो लिखते नहीं है, तो यहाँ पे निगेटिव में कर देंगे 1/5, और ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा +c। अब t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, 5x + 4, तो -1/5 / 5x + 4 + c, तो ये आ गया आपका आंसर। इस तरीके से आप इजी से इजी, मतलब इजी तरीके से क्वेश्चंस निकाल सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप थोड़ा सा टी मानिए, यहाँ पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए क्वेश्चंस और देख लेते हैं इसी टाइप का। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन है दोस्तों, आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, प्रैक्टिस करिए अपने एक्सरसाइज से। ठीक है, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन हर तरीके का क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है 1/3x + 1। ठीक है, अभी बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, बाद में हम क्या चलेंगे, नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे दिया है 3x + 1, तो सबसे पहले इसको क्या मान लेंगे, 3x + 1 को क्या मान लेंगे, t। ठीक है,
क्योंकि हम इसका डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो यहाँ टी मानेंगे तो यहाँ आ जाएगा डीएक्स इक्वल टू डी टी, डीएक्स इक्वल टू डी टी बाई थ्री। तो यहाँ पे चेंज कर दीजिए, वो ये हो जाएगा वन अपॉन टी डीएक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा डी टी बाई थ्री, 1/3 को बाहर रखिए और ये वन अपॉन टी डी टी, वन अपॉन टी मतलब 1/x मतलब लॉग एक्स, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे लॉग का फॉर्मूला, ये हो जाएगा लॉग यहाँ पे टी प्लस सी, ठीक है। तो टी की वैल्यू में क्या माने हैं यहाँ पे रख दीजिए लॉग, यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 1 प्लस सी, ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प करती हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं +2 का मतलब मैथमेटिक्स कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर, नए कॉन्सेप्ट और नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।